हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू joinfilms.com। आप देख रहे हैं फिल्म देखो और सीखो की सीरीज। बहुत पहले हमने शुरू किया था ये सेशन जिसमें हम आपको फिल्म को रिव्यू करके बताते थे कि इसमें आप क्या सीख सकते हैं फिल्म को देखते देखते, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हम वो नहीं कर रहे थे। आप में से बहुत सारे लोगों ने डिमांड की कि हम हर आने वाली फिल्म को रिव्यू करें और आपको एनालाइज करके बताएं कि आप उसमें से क्या सीख सकते हैं। तो ये कड़ी हम दोबारा शुरू कर रहे हैं इस फिल्म से। ये फिल्म है वॉर, यशराज बैनर की फिल्म है वॉर, और इसमें जो प्रोड्यूसर हैं वो आदित्य चोपड़ा, डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद, और जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं वो हैं वाणी कपूर, टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। इस फिल्म को देखते ही पता चलता है कि ये फिल्म यशराज की भी पहले की जितनी भी फिल्में आई हैं उससे लुक्स में, स्टंट में, मतलब एक्शंस में और विजुअल्स में जो ट्रीटमेंट किया गया है और जो उसकी प्रोडक्शन वैल्यू दिखाई गई है, हर मामले में ये बड़ी है और बेहतर है। और सेम बात लागू होती है, अभी तक आपने जितनी भी टाइगर श्रॉफ की फिल्म देखी है, ऋतिक रोशन की फिल्म देखी है, उनकी फिल्मों से भी ये बड़ी है और बेहतर है। अब सबसे पहले बात करते हैं वॉर फिल्म की स्क्रिप्ट की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये स्क्रिप्ट कोई ऐसा नहीं कि कहानी लिखी गई थी और उस पर फिल्म बनी। ये फिल्म की कहानी लिखी गई है दो पर्सनालिटीज़ को लेकर, यानी कि ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ। ये दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही पूरक भी हैं क्योंकि दोनों की जो पर्सनालिटी है वो बड़ी एक्शन के लिए अच्छी है। दोनों एक्शन में बहुत अच्छे हैं, दोनों डांस में बहुत अच्छे हैं। पब्लिक में भी कई बार बात होती है कि ये दोनों अगर एक साथ स्क्रीन पे दिखेंगे तो कैसे दिखेंगे। तो इस डिमांड को समझ के, दोनों की केमिस्ट्री को समझ के उन कैरेक्टर को डेवलप किया गया, एक कहानी बनाई गई जिसमें कि एक टीचर और स्टूडेंट की एक इमोशनल जर्नी भी है, उसको लेते हुए ट्विस्ट एंड टर्न बनाया गया, उसमें एक्शन बहुत अच्छा जोड़ा गया और इस तरह से ये पूरी कहानी तैयार हुई। वैसे भी आप देखेंगे यशराज की जितनी भी फिल्में वो लोग करेक्टराइजेशन पे बहुत ध्यान देते हैं, तो इसमें भी ऋतिक रोशन का करेक्टर और टाइगर श्रॉफ का करेक्टर को बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया है। खालिद कभी मेरा स्टूडेंट हुआ करता था, अब शायद उसे लगता है कि अपने टीचर से आगे निकल गया। फिल्म की एक और खास बात है उसके डायलॉग, वो बहुत अच्छे लिखे गए हैं, अब्बास टायर वाला ने लिखे। डायलॉग छोटे भी हैं लेकिन एकदम मीनिंगफुल है, सही वक्त पे, सही जगह पे, सही तरीके से, और वो करेक्टर जो कहना चाहता है उसकी बैक स्टोरी के हिसाब से बिल्कुल उस तरह से लिखे गए, इसलिए वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट लग रहा है। मौका मिला तो गोली चला देना, सोचना मत, मैं नहीं सोचूंगा। अब बात करते हैं वॉर फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू की। ये फिल्म देखने में ही विजुअली बिल्कुल अलग है, इसको बहुत सारे देशों में शूट किया गया है, बहुत अच्छी तरह से शूट किया गया है। विजुअल्स में एग्जोटिक लोकेशन के एरियल शॉट्स हैं, करेक्टर के लुक और कॉस्ट्यूम्स पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। ये फिल्म दुनिया के 7 देशों के 15 शहरों में फिल्माई गई है और सारी लोकेशन स्टनिंग वे में कैप्चर की गई हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड फिल्मों में पहली बार आप आर्टिक सर्कल भी देखेंगे और इन जगहों पर सिनेमाटोग्राफी के लिए इंटरनेशनल टेक्नीशियंस को भी लाया गया ताकि कुछ भी गलत ना हो। इससे ये सीखा जा सकता है कि प्रोड्यूसर को टेक्नीशियंस हायर करने से पहले ये देखने की बजाय कि वो मेरा दोस्त है या फिर मेरा एम्प्लॉय है, मतलब कि इनहाउस है, ये देखना चाहिए कि उसे उस तरह के काम करने का कितना एक्सपीरियंस है, कितनी एक्सपर्टीज़ है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में या YRF में अच्छे सिनेमाटोग्राफर्स नहीं हैं, पर आर्टिक सर्कल में शूट करने के लिए उन्हें लगा कि उस टेक्नीशियन को बुलाना चाहिए जिसे उसकी नॉलेज है और एक्सपर्टीज़ भी। अब बात करते हैं एक्टिंग की। वॉर फिल्म में ऋतिक रोशन का लुक ही अलग नहीं है, उनकी एक्टिंग में भी एक अलग बात नज़र आ रही है। वैसे तो वो कमाल के एक्टर हैं, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, फिजिक बहुत अच्छी है, लेकिन वो जिस तरह से करेक्टर के हिसाब से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं ये देखने वाली बात है और सीखने वाली बात है। जैसे इस फिल्म में उनका एक थोड़ा ग्रे शेड वाला रोल है तो उनकी आंखों में आप देखेंगे एक अजब सी, एक चीते वाली चमक है, एक बॉडी में फुर्ती है जो एक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। वो सुपर हीरो तो रह ही चुके हैं इंडिया के, उसी तरह से इस रोल में लेकिन अलग नज़र आते हैं क्योंकि इसमें फिजिकली उनके पास कोई सुपर पावर नहीं है, तो वो पूरी पावर उनकी आंखों में, उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिखती है। दूसरी बात ये, अभी उनके पास एक्टिंग की रेंज जितनी अच्छी है मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एक्टर के पास है। सुपर 30 में उनका लुक डिफरेंट था, एक्टिंग डिफरेंट थी, यहाँ पर टोटली ट्रांसफॉर्म आपको देखने को मिलेगा उनकी एक्टिंग में। मैं तो ये कहूँगा जो लोग भी ऋतिक को देखेंगे उनको ये सरप्राइज हो जाएंगे कि नया कुछ और एक फ्रेश ऋतिक उनको देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं टाइगर श्रॉफ की। टाइगर श्रॉफ ने हालांकि पहले भी एक्शन फिल्में काफ़ी की हुई हैं और लोग उनको पसंद भी करते हैं, उनके एक्शन को पसंद करते हैं, लेकिन इस फिल्म में उनकी एक्टिंग में थोड़ा सा और निखार देखने को मिल रहा है।
और ये भी हो सकता है, कई बार बोलते हैं जब को एक्टर भी अच्छा हो तो आपकी एक्टिंग भी अच्छी हो ही जाती है और वो स्क्रीन पे देखने को मिलता है। टाइगर श्रॉफ इसमें जब डायलॉग बोल रहे हैं तो जो इमोशनली कनेक्शन है वो ज़्यादा अच्छा आ पा रहा है अगर हम बात करें पुरानी फिल्मों के मुकाबले। तो दूसरी बात, उन्होंने बड़े अच्छी तरह से मैच किया ऋतिक रोशन के साथ खुद को, उनका कैरेक्टर पॉजिटिव है, ऋतिक का थोड़ा ग्रे शेडेड है, उन्होंने अपने डायलॉग डिलीवरी से अपने एक्सप्रेशन से बहुत अच्छे से उसको मैच किया है। कबीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता, उसका अगला कदम क्या होगा? I understand। इस फिल्म में जो हीरोइन है वाणी कपूर, हालांकि उनका रोल बहुत छोटा है, बहुत कम सीन्स में वो देखने को मिलती हैं, लेकिन जहां भी नजर आई हैं वो खूबसूरत लगी हैं, अच्छी लगी हैं और अपने हिसाब से उन्होंने अप्रोप्रिएट एक्टिंग भी की है। एक्शन सीक्वेंस, इस फिल्म का जो मेन हाईलाइट है वो है इसका एक्शन। इसका एक्शन बिल्कुल अलग अलग है, मतलब जैसे एक ग्लोबल सिनेमा होता है, इंटरनेशनल सिनेमा होता है, उसका जैसा एक्शन होता है बिल्कुल वैसा ही एक्शन है। फिल्म का नाम है वॉर और पूरी एक्शन फिल्म है, तो जाहिर सी बात है कि म्यूजिक की गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन इंडियन ऑडियंस है तो गाने तो जरूर चाहिए। इस फिल्म को एक इंटरनेशनल अपील के हिसाब से, इंटेंस रखने के हिसाब से और टू द पॉइंट रखने के हिसाब से इसमें गाने कम रखे गए। मेरे ख्याल से यशराज के बैनर पर इतने कम गानों के साथ शायद ये पहली फिल्म होगी, लेकिन क्योंकि इंडियन ऑडियंस का गानों से कनेक्शन होता है, उनको अच्छे लगते हैं, इसलिए एक रोमांटिक गाना रखा गया है और ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की केमिस्ट्री को दिखाने के लिए ऑन स्क्रीन एक उनका गाना रखा गया है। दोनों ही गाने अच्छे हैं, आपका मूड रिफ्रेश भी करते हैं, क्योंकि एक्शन सीक्वेंस जब हम बहुत ज़्यादा समय तक देखते हैं तो एक बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको बैलेंस करने के लिए ये दो गाने रखे गए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। अब बात करते हैं सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन की। सिद्धार्थ आनंद की इससे पहले एक और एक्शन और रोमांटिक फिल्म आई थी, वो थी बैंग बैंग, उसमें एक्शन सीक्वेंस थे, लेकिन इससे पहले उन्होंने जो भी फिल्में बनाई, चाहे वो अनजाना अनजानी हो, तारारम पम हो या फिर बचना ए हसीनो, सलाम नमस्ते, ये सब रोमांटिक काइंड ऑफ फिल्म थी, लेकिन बैंग बैंग के बाद लगता है उनको एक्शन में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इसलिए उन्होंने उसको और एक्सट्रीम पे ले गए और एक एक्शन फिल्म और बनाई है। ये फिल्म में वाकई एक पॉलिश नज़र आ रही है, एक जो इंटरनेशनल काइंड ऑफ सिनेमा, इंटरनेशनल काइंड ऑफ मेकिंग होती है, जो सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है वो हमें सिद्धार्थ आनंद का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब जब से हमारी फिल्म ग्लोबल हो रही है तो हमारे डायरेक्टर की भी सोच ग्लोबल होती जा रही है और अब वो उस तरह का सिनेमा गढ़ पा रहे हैं, बना पा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल ऑडियंस भी देख सके। तो ये था मेरा एक रिव्यू कह सकते हैं, या फिल्म से आप क्या सीख सकते हैं वो है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आगे भी आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात यह है कि फिल्म अगर आपने देख ली है तो देख के आप भी कमेंट बॉक्स में वो पॉइंट बताइए मुझे जो आपको लगते हैं। इससे क्या होगा, हमारा एक इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं जो आपने वहाँ पे देखा है और सीखा है, जब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हमारे कम्युनिटी के दूसरे मेंबर आएंगे, उसको पढ़ेंगे और उनकी समझ बढ़ेगी, आप जब लिखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हम हर चीज़ से सीखने की, समझने की और जानने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। तो फिर आगे भी बहुत सारी फिल्में देखिए, बहुत सारी फिल्मों से सीखिए और आगे आप भी फिल्म इंडस्ट्री में ज़रूर आइए। Thank you. I can, I-